आज हम बनाएंगे कारा बूंदी। तो सबसे पहले 1 कप ऑफ बेसन, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सॉरी, हींग थोड़ी, एक बिल्कुल थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा और नमक टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा तेल डालना है, थोड़ा सा तेल, ज्यादा नहीं, बस। अब पानी डाल के हमको थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में बनाना है, इसको विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। एक ग्लास में ट्रांसफर करेंगे, ग्लास में ट्रांसफर इसलिए करेंगे ताकि हमको डालने में इजी होगा। इसको बनाने के लिए इस टाइप का जारा यूज करना है। पहले थोड़ा सा चेक करेंगे, मैंने कढ़ाई में तेल गरम रखा है, पहले थोड़ा सा एक बूंद डाल के चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी के लिए। ये देखिए, ये खुद से अपने आप से गिरना चाहिए, ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब इसको ऐसे बस ऐसे ही गिराना है, बस। ये ग्लास मैंने इसने लिया ताकि आपको डालने में आसानी होगी। ये देखिए, ये अपने आप से, ये नीचे से कंसिस्टेंसी देखिए, ये अपने आप से गिर रही है, ये ऐसे फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको अगर रायते के लिए बनाना है तो इसमें आप थोड़ी मिर्ची कम डालिए। अब मैं नमकीन चीज ऐसे यूज कर रही हूं इसलिए मैंने इसमें मिर्ची ज्यादा डाली है। ये देखिए, एकदम गोल और अच्छे से बनी है साइज। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे थोड़ा डार्क होने के बाद। ये देखिए, थोड़ा डार्क होने तक इसको रखेंगे, ज्यादा डार्क नहीं करेंगे इसको वरना कड़वी लगेगी ये। ये घोल सही होना चाहिए, घोल सही होगा तो ये आपकी बूंदी एकदम सही गिरेगी। इसको गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला के इसको पतला कर सकते हो, अगर ये ज्यादा पतला होगा तो आपका चपटा बनेगा ये बूंदी, अगर ज्यादा पतला हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसमें कलर आ चुका है। अब इसको एक नीचे टिश्यू पेपर रखे उसमें ट्रांसफर करेंगे ताकि एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब हो चुके। ये देखिए, इसको क्रिस्प होने तक अपने को फ्राई करना है। ये देखिए, अब सेकंड डालने से पहले आपको इसको पहले अच्छे से पोंछना है, ये जो एक्स्ट्रा होगा उसको अच्छे से क्लीन करना है। ये अच्छे से क्लीन होने के बाद ये एकदम इजी स्नैक्स है। लॉकडाउन के टाइम बाहर से नमकीन लाना सेफ नहीं है, तो हो सके जब तक नमकीन घर पे बना के बच्चों को दे सकते हो। अब ये देखिए, ये थोड़ा क्रिस्प हो गया है, बस इसको ज्यादा क्रिस्प नहीं करना है वरना कड़वापन टेस्ट आएगा। ये देखिए, ये तैयार है। इसको आप प्लेन भी ले सकते हो, मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड अच्छा करने के लिए थोड़ी सी ग्राउंडनट्स फ्राई करना है। थोड़ा ग्राउंडनट्स और एक्स्ट्रा चीज डालने से टेस्ट और अच्छा होगा, वरना आप इसको ऐसे प्लेन भी खा ही सकते हो। ब्राउननट्स को बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, डन।
इसमें थोड़े से काजू, ये ग्राउंडनट्स, काजू, ये सब ऑप्शनल है, लेकिन ये सब डालने से एकदम बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट आएंगे। काजू को भी आपको ज्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ उसका कलर चेंज करना है। बस सिर्फ लाइट ब्राउन हो जाए तब तक, ज्यादा नहीं करना उसको। और लास्ट में करी पत्ता। करी पत्ता डालने से पहले आप गैस को बंद कर दीजिए, वो गरम जो तेल है उसी में हो जाएगा। आपको इसमें लेना और बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से, करी पत्ता डालने से एकदम उछलेगा, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। ये करी पत्ता थोड़ा कड़क होने तक रखिए, ये एक बार फ्राई होने के बाद इसमें जो क्रिस्पीनेस आएगा वो ज्यादा टेस्टी होगा। ये देखिए, ये देखिए, अब ये सब रेडी है। इस पे इसको अच्छे से टिश्यू से पैट करके एक्सेस ऑयल निकालना है। थोड़ी सी मिर्ची, बस डाल के आपको अच्छे से टॉस करना है इसको। बस ये रेडी है। ये देखिए इसका क्रिस्पीनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बूंदी की क्रिस्पीनेस, ये देखिए कितनी क्रिस्पी हुई है। और ये करी पत्ता, ये देखिए, अब इसको आप एक एयरटाइट बॉक्स में ट्रांसफर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र।